कश्मीरी छात्र हुआ लापता, तलाश में नोएडा पहुंचे परिजन। मामूली घासुने में एग्जाम देकर लौट रहे छात्र की चाकू घोंप कर ली जान, पीछे से गोली मार कर ले ली जान। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली एनसीआर से एक और कश्मीरी छात्र के गायब होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये कश्मीरी छात्र पिछले कई दिनों से गायब है। संपर्क नहीं होने के बाद घर वालों ने बुधवार को मामला दर्ज कराया। मिली जानकारी के अनुसार कश्मीरी युवक एक निजी कॉलेज से बीबीए कर रहा था। थाना इंप्रेसवे ने छात्र की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली के भजनपुरा में दिल्ली पुलिस भर्ती का एग्जाम देकर लौट रहे छात्र पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में दाखिल किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के केशवपुरम थाना अंतर्गत ब्रिटानिया चौक के पास अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक का नाम विनोद गर्ग बताया जा रहा है, जो रोहिणी का रहने वाला है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।